कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने वैक्सीनेशन के काउंटर की संख्या को बढ़ा दिया है। इसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि वैक्सीनेशन काउंटर पर भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ा दिए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित कर सके तथा महिला जिला अस्पताल में ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण रोज लोगों में धक्का मुक्की होती थी, इसलिए अब रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाकर 8 कर दिए गए हैं ताकि भीड़ को कम किया जा सके। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि 45 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति अगर स्लॉट बुक नहीं हो पाया है तो वह 2 बजे के बाद आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं, क्योंकि सुबह ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोग वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे हैं तो वह 2 बजे के बाद बारी बारी से अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हाँ इधर हमने जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ हमने काउंटर बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा भीड़ हो रही है। लोगों से हमारी अपील है कि स्लॉट बुक करा के आएँ, हमारे पास जितना डोज है उतना हम वो करते हैं, खोलते हैं, उसी के अनुसार स्लॉट बुक करके आए। बाय द वे अगर 45 साल से ऊपर के हैं, आपका स्लॉट बुक नहीं हो पाया है और आप आते हैं तो लेट आएँ, 2 बजे के बाद आएँ, जब भीड़ थोड़ी कम हो जाए तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा हमारा खुला रहता है उसमें कराएं, जिससे कि भीड़ भाड़ कम रहेगी और कोरोना संक्रमण बढ़ने से हम रोक भी सकते हैं। सर, महिला अस्पताल में ज़्यादा भीड़ की सुविधा है, कितने काउंटर बढ़ाए गए हैं? महिला अस्पताल में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमने 8 काउंटर बढ़ा दिए हैं। वेरिफिकेशन करने में ही ज़्यादा समय लगता है, उसमें वेरिफिकेशन करने वालों की संख्या बढ़ा दी गई है और जिससे कि भीड़ नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी ज़्यादा भीड़ होने से संक्रमण फैलने के चांसेस रहते हैं। तो हमारी अपील है कि समय समय पर आएं, लेट आवर्स में आएं, सुबह ज़्यादा भीड़ रहती है, 2 बजे के बाद भीड़ बिल्कुल ही छटने लगती है, तो ज़्यादातर लोग तो बारी बारी से आएंगे तो भीड़ नहीं रहेगी।